लोकसभा चुनाव के पांचवें चरण में कल 7 राज्यों की 51 सीटों पर मतदान होगा। पांचवा चरण बेहद ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इस चरण में यूपी की सबसे ज्यादा 14 सीटों पर चुनाव हो रहा है। 2014 के चुनाव में कांग्रेस के गढ़ अमेठी और रायबरेली को छोड़कर भाजपा ने 14 में से 12 सीटें जीती थी। पांचवें चरण में हम जानेंगे यूपी की उन हाई प्रोफाइल सीटों का हाल, जहां से वीवीआईपी ठोक रहे हैं ताल, कहां से कौन है मजबूत दावेदार, देखें हमारी इस खास रिपोर्ट में। मुल्क में लोकसभा का चुनाव है और कल उसका पांचवा पड़ाव है। जी हाँ, लोकसभा चुनाव के पांचवें चरण के लिए वोट डाले जाएंगे। इस चरण में चिलचिलाती धूप में भी सियासी पारा खूब चढ़ा, लेकिन कांग्रेस और भाजपा के कई दिग्गजों की अग्नि परीक्षा मतदान के दिन होगी। बात करें यूपी की उन हाई प्रोफाइल सीटों की जहां उम्मीदवार भी हाई प्रोफाइल हैं, तो उसमें सबसे पहला जिक्र आता है रायबरेली का, और रायबरेली मतलब कांग्रेस का गढ़। आंकड़ों पर गौर किया जाए तो सोनिया गांधी जब से सीट पर चुनाव लड़ रही हैं, तब से उन्हें हराना तो दूर की बात है, कोई भी उन्हें ठीक ठाक तरीके से चुनौती भी नहीं दे सका है। साल 2014 की मोदी लहर में भी नहीं, 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर सोनिया गांधी ने बीजेपी के अजय अग्रवाल को 3,52,713 मतों से मात देकर सांसद बनी थी। इस चरण की दूसरी हाई प्रोफाइल सीट है अमेठी, जहां से कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी चुनाव मैदान में हैं और उन्हें टक्कर दे रही हैं भाजपा से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। साल 2014 में राहुल गांधी ने इस सीट से लगातार तीसरी बार जीत दर्ज की। ईरानी ने 3 लाख से ज्यादा वोट हासिल कर राहुल को कड़ी टक्कर दी, जबकि आप प्रत्याशी कुमार विश्वास की जमानत जब्त हो गई थी। इस बार मोदी लहर थोड़ा कम जरूर हुई है, लेकिन माना जा रहा है स्मृति ने अमेठी में अपनी पैठ मजबूत की है। ऐसे में यहां पर एक बार फिर कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। प्रदेश की हाई प्रोफाइल लोकसभा सीटों में राजधानी लखनऊ सीट का भी नाम आता है। गोमती के किनारे बसे लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है। बात करें यहां के चुनावी समर की, तो जब से अटल बिहारी वाजपेयी ने यहां की विरासत संभाली, तब से ये सीट बीजेपी का किला कही जाने लगी, और तब से लेकर अब तक कोई इस किले को भेद नहीं सका है। 1991 के बाद से अटल जी लगातार 5 बार यहां से चुनाव जीते। साल 2014 में लालजी टंडन, तो 2014 में राजनाथ को यहां की जनता ने जनादेश दिया। इस बार फिर राजनाथ सिंह यहां से ताल ठोक रहे हैं, और उन्हें टक्कर देने के लिए कांग्रेस ने आचार्य प्रमोद कृष्णम को मैदान में उतारा है। महागठबंधन की ओर से यहां सपा के टिकट पर कांग्रेस के पटना साहिब से प्रत्याशी शत्रुघ्न सिन्हा की पत्नी पूनम सिन्हा चुनावी समर में हैं। बात करें साल 2014 की, तो राजनाथ सिंह ने कांग्रेस की रीता बहुगुणा जोशी को 2,72,749 वोटों से मात देकर जीत हासिल की थी। राजनाथ सिंह को 5,61,106 वोट मिले, तो वहीं रीता को 2,88,357 वोट ही मिल पाए थे। 64,449 वोटों के साथ बसपा के नकुल दुबे तीसरे स्थान पर रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।
इस लोकतांत्रिक चुनाव महासंग्राम के तहत हमने आप तक पहुंचाया पांचवें चरण में यूपी की हाई प्रोफाइल सीटों का हाल। ऐसे ही हम आप तक पहुंचाते रहेंगे रोचक जानकारियां। बने रहें, देखते रहें प्राइम टीवी।